आप सबों का इस त्रिदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत है। और अभी आपने वो वीडियो क्लिप देखा जिसमें मॉड्यूल की चर्चा थी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्या महत्व है, क्यों किया जा रहा है, उसकी चर्चा थी। और इसके अलावा आपने प्रधान सचिव महोदय का, जो अभी दो दिन पहले हमारे प्रधान सचिव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक में प्रमोट हो गए हैं, उनका और हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनका भी संदेश आपने अपने लिए सुन लिया। हम लोग अभी अगले 3 दिनों में जिन विषयों पर बात करेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है हमारा, हम आपको बताएंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज क्या होता है। पंचायतों में काम तो कर रहे हैं, प्रावधान है, उसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कि ये त्रिस्तरीय पंचायत क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम सभा क्या है, वार्ड सभा क्या है, निगरानी समिति क्या है, अस्थाई समितियां क्या होती हैं, इन सब पर हम आपसे चर्चा करेंगे आज पहले दिन। दूसरे दिन हम आपसे बात करेंगे जो उसका लेखा प्रबंधन है या जो ऑफिस मैनेजमेंट है उसकी बात करेंगे। और तीसरे दिन आपके साथ हम लोग जो आईटी रिलेटेड वर्क है, आईटी रिलेटेड वर्क का मतलब हुआ अकाउंटिंग का जो पैकेज हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो GPMS की बात करें या हम लोग उसको प्रिया सॉफ्ट कहें, या अभी जो हमारा एक नया, पहले हम लोग प्लान प्लस की बात करते थे, अभी जो नया एक पैकेज आ गया है, जो एक ऐप आ गया है भारत सरकार का, ग्राम स्वराज ऐप, हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये तीसरा दिन पूरा आईटी का होगा। तो पहला दिन पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम नियम और उसके बारे में, दूसरा दिन हमारा होगा जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि जो हमारा लेखा प्रबंधन है, लेखांकन है, और जो मेरा ऑफिस मैनेजमेंट है उसकी बात करेंगे, उसमें ग्राम पंचायत सचिव की क्या भूमिका होती है, और तीसरे दिन हम लोग आईटी पे बात करेंगे। तो इस तरह से हमारे कुल 3 सत्र में ये डिवाइडेड है कार्यक्रम। और हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको जो ग्राम पंचायत की एक अवधारणा है उससे आपको रूबरू करा दें, उससे आपको उसकी जानकारी आपको दे दें। और उसके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो हम आपके लिए चलाना चाहेंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ जितने वीडियो क्लिप चलाए जा रहे हैं, आप चाहें तो YouTube पे जाके उन सब को डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए आवाज़ अगर नहीं भी आ रही हो, कुछ दिक्कत भी हो रही हो, तो बाद में आप उसको सुन सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आपके चैट पे लिख दे रहा हूँ उसका नाम, आप उसको चाहें तो बाद में अपलोड कर लीजिएगा। ये नाम है इसका जो चैनल है, पंचायत सरकार। जब आप पंचायत सरकार टाइप करेंगे तो YouTube चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो आपको शायद मेरा ही चेहरा दिखाई देगा वहाँ पर। और आप वहाँ जाकर जो भी वीडियो क्लिप हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं या इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो क्लिप्स जो पंचायत से रिलेटेड हैं वो वहाँ आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ कि आपको अगले वीडियो क्लिप के साथ पंचायत से पहचान, मैंने इसका नाम रखा है, आइए मिलते हैं हम लोग पंचायत से कि ये पंचायत होता क्या है। पंचायत, अब मैं एक लाइन अगर बताऊँ तो देखिएगा एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, जो इस प्रशिक्षण और उसके पूर्व जो आपकी अवधारणा थी उसमें एक बहुत बड़ा अंतर लाएगा। जब मैं आपको बताता हूं कि जब पंचायत शब्द आप बोलते हैं तो उसका मतलब होता है 3-tier पंचायत, और जैसे ही आप ग्राम पंचायत बोलते हैं तो इसका मतलब होता है सिर्फ ग्राम पंचायत, यानी पंचायत का मतलब 3-tier पंचायत और ग्राम पंचायत का मतलब सिर्फ ग्राम पंचायत। ये एक बेसिक डिफरेंस हुआ। उसी तरह से एक और बुलेट की तरह याद रखिएगा पॉइंट कि हम लोग बोलते हैं नॉर्मली वार्ड के मेंबर हैं, ये वार्ड मेंबर, एक्चुअली में उनका नाम ग्राम पंचायत सदस्य है। तो नॉर्मली बोलचाल की भाषा में उसे ग्राम
पंचायत सदस्य को हमने वार्ड सदस्य कहना शुरू कर दिया। उसी तरह से कई लोग लिख देते हैं कि आम सभा में ये निर्णय लिया गया। आम सभा के नाम की कोई चीज नहीं होती है, जब वार्ड बैठता है तो वार्ड सभा होती है और जब ग्राम पंचायत की ग्राम सभा बैठती है तो वह ग्राम सभा होती है। तो ऐसी ही कुछ छोटे छोटे तकनीकी पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे, आपके प्रश्न लेंगे, हम उसके उत्तर देंगे। लेकिन उसके पहले आपको ये एक 10-12 मिनट का वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। व्यवस्था ये बहुत पुरानी है हमारी और इसके बारे में कोई स्पष्ट राय नहीं दे सकता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था कब से चल रही है। मेरी तो मान्यता है कि जिस दिन इस धरती पे तीसरा आदमी पैदा हुआ था, तीसरा व्यक्ति पैदा हुआ था, उसी दिन से ये पंचायती राज व्यवस्था आ गई। उसका कारण है कि झगड़ा करने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए और उसके निपटाने के लिए 3रा आदमी चाहिए। क्लियर है ना? तो पंचायत का मतलब पंचायती होता है। तो जब पंचायती की बात करते हैं हम लोग तो इसका मतलब होता है कि 3 कम से कम आदमी होगा। तो एक सोच ये है। और बहुत दिनों तक ये जो गांव में छोटे मोटे वाद होते थे, विवाद होते थे, उसके निपटारे के लिए गांव के लोग एक जगह बैठते थे और उसी को हम लोगों ने पंचायत का नाम दिया। और पंच परमेश्वर की कहानी आपने पढ़ी होगी, मुंशी प्रेमचंद की। बाद में जब अंग्रेज आए तो उनको लगा कि अगर इस देश पे शासन करना है तो इसकी कौन सी इतनी मजबूत व्यवस्था है जिसको अगर हम तोड़ दें तो हम लोग इसके ऊपर शासन कर सकते हैं। और उसी में लॉर्ड मेटकॉफ ने रिपोर्ट भेजा था कि जब तक इसकी पंचायतें हैं तब तक आप शासन करने की बात सोची। पहले तो वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बन के हमारे यहाँ सिर्फ व्यापार करने, लेकिन जब शासन की बात सोची तो उन्होंने हमारी पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्लानिंग किया। और उसके बाद उन्होंने उसके बदले कुछ और नाम दिया जिसको लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं। 1885 में वो एक्ट बन के आया। उसमें कुछ विकास के काम, कुछ गांव की सफाई और वाद विवाद के मामले जैसी चीजों का काम हमारी पंचायतों को दिया गया। गांधी जी ने जब इस देश के आज़ादी की बागडोर संभाली, आज़ादी के आंदोलन की, तब उनको लगा कि हमें पंचायत को फिर से जिंदा करना होगा अगर भारत को स्वतंत्र करना है। इसलिए उन्होंने इसको काफ़ी महत्व दिया। और जब आज़ादी मिली तो संविधान के आर्टिकल 40 में इसको जगह दी गई और आर्टिकल 40 के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये शामिल था। और उसके बाद काफ़ी दिनों तक उसमें रहा और बाद में जिसे आजकल हम लोग विकास मॉडल कहते हैं, ये असल में बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे कि जब आप कोई ब्लॉक का मैप निकालेंगे तो उसमें लिखा होगा सीडी ब्लॉक। सीडी का मतलब होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान के तहत ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1951 के बाद। जब 5 साल की योजना हमारी पूरी हुई तो उस समय के जो हमारे नीति निर्माता थे उनको यह महसूस हुआ कि शायद ये जो अपेक्षित सफलता थी वो सीडी माने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान को नहीं प्राप्त हुआ। और उन्होंने एक कमेटी गठित की जिसका नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी। और उसने एक रिपोर्ट दी जिसके आधार पे त्रिस्तरीय पंचायत हमारा जो है वो शुरू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद जो लाइन मेन ये है हमारा जो हमारे 1993 का 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए। और जो बहुत सारी अनियमितता थी पहले ग्राम पंचायत की, उस अनियमितता को दूर किया जा सका। और दूर करने के बाद हम लोग उस काल में अभी बात कर रहे हैं जो 73वें संविधान संशोधन के बाद का काल है, जिसमें बहुत सारी चीजें फिक्स हो गई कि 5 साल पे ग्राम पंचायत का चुनाव, पंचायती राज का चुनाव मस्ट है, इसके लिए अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन है, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन है, इसके लिए और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो पंचायतों के लिए लागू की गई। और उसमें जो त्रिस्तरीय पंचायत हमारा है उसमें बिहार 2006 में जब चुनाव हुआ हमारा, उसके पहले एक ऐतिहासिक फैसला लिया
जिसे हम लोग लैंडमार्क मानते हैं पूरे इंडिया के लिए, जब 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए हर वर्ग में हर श्रेणी में दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था और जो हमारी नगर निकाय है उसके लिए। अब हम छोटे से नटशेल में बात कर लें कि जब पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं बिहार की, तो सबसे नीचे अगर हम पहले उसको कहें, जो हमारी बेस है वो वार्ड सभा है। वार्ड का मतलब होता है एक ग्राम पंचायत कई वार्ड में विभक्त होता है, जिसका कि औसतन एवरेज पॉपुलेशन लिया गया है 500 का पॉपुलेशन है। याद रखिएगा 500 का पॉपुलेशन है, 500 वोटर नहीं है, 500 या उससे ज़्यादा जो भी संख्या होगी उसके निकट की, उस पर एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनता है जहां से हमारे ग्राम पंचायत के सदस्य चुन के आते हैं। उसके बाद पूरे ग्राम पंचायत का एक निर्वाचन क्षेत्र होता है जिससे हमारे मुखिया चुन के आते हैं। ठीक उसी तरह से उसी स्तर पे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से हमारे सरपंच चुने जाते हैं और ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र से सरपंच चुने जाते हैं। दोनों कोर्ट माने बराबर का ही दोनों का दायरा होता है। काम में फर्क है कि ग्राम पंचायत जहाँ विकास योजनाओं की कहाँ का काम करता है, सोशल जस्टिस का काम करता है, आर्थिक उन्नयन का काम करता है, ये आगे और डिटेल में बताएंगे आपको, वहीं पर हमारी जो ग्राम कचहरी है, जो यूनिक व्यवस्था है पूरे भारत में आज के डेट में, जहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा गाँव के वादों का निपटारा किया जाता है, तो ये हमारे ग्राम पंचायत का स्तर है। उसके ऊपर हमारी पंचायत समिति है जिसके सदस्य 5000 या उसके निकटस्थ के जनसंख्या पे चुने जाते हैं, और वही पंचायत समिति के सदस्य जो ब्लॉक एक यूनिट होता है उसका, और उस ब्लॉक में जितने भी पंचायत समिति सदस्य हैं वो आपस में मिलके अपने लिए प्रमुख और उपप्रमुख चुनते हैं। उसी तरह से हर जिला स्तर पे एक जिला परिषद है जिसके सदस्य के लिए 5000 की जनसंख्या आबादी पर उसका निर्वाचन क्षेत्र होता है, और 5000 की आबादी या उसके निकटस्थ पर उसे हम चुनते हैं, और जो चुने हुए जिला परिषद अध्यक्ष हैं वही लोग आपस में से अपने लिए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो ऊपर वाली जो हमारी टीयर है दो, जो पंचायत समिति और जिला परिषद, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। फिर से आते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर। तो आपको अभी हमने बताया कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं, जिसे आप वार्ड सदस्य कहते हैं, वो जब पंचायत में बैठते हैं तो उसको हम लोग कार्यकारिणी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव है उसका, जहाँ सारे ग्राम पंचायत सदस्य और मुखिया जी होते हैं, और उसके सारे कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत सचिव है हमारे पास। इसके अलावा एक और बॉडी होती है हमारे पास जिसे हम वार्ड क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति कहते हैं, जो हर वार्ड स्तर पर होता है, जिसके अध्यक्ष हमारे वार्ड सदस्य होते हैं और सचिव उसी वार्ड का कोई व्यक्ति होता है जो वार्ड सभा से चुना जाता है। इसके अलावा हमारे एक निगरानी समिति होती है, वो भी वार्ड स्तर पे होती है और उसमें 11 सदस्य होते हैं। उनके लिए एक आरक्षण की व्यवस्था है कि उसी समानुपातिक आरक्षण पद्धति पर उसके सदस्य चुने जाएंगे। याद रखिएगा कि निगरानी समिति का सदस्य ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य नहीं होता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पे 6 अस्थाई समितियां होती हैं और उन 6 अस्थाई समितियों में 2 अस्थाई समिति के अध्यक्ष हमारे मुखिया जी होते हैं। पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति और अंतिम है लोक निर्माण समिति। उसके बीच में एक आता है सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस कमेटी, उसके अध्यक्ष उप मुखिया होते हैं। ये तीनों फिक्स है, इसको कहते हैं पदेन यानी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। इसके अलावा जो 3 हमारी समिति है स्थाई समिति, उसमें से एक है हमारी शिक्षा समिति, दूसरी हमारी है उत्पादन समिति और तीसरी समिति हमारी कहलाती है, काफी लंबा नाम है उसका, महिला बाल स्वास्थ्य स्वच्छता एवं परिवार कल्याण समिति। तो बाकी सारे में लोक निर्माण को छोड़ के बाकी सारे में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 होती है। इसमें सदस्य हमेशा निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं ग्राम पंचायत के, और जरूरत के अनुसार 2
को-ऑप्टेड मेंबर कहते हैं, सहयोजित सदस्य होते हैं जिन्हें आप उनकी जो एक्सपर्टीज है विशेषज्ञता के आधार पे समिति की मदद के लिए रख सकते हैं। तो कुल मिला के जो मोटा मोटी बात आई कि हमारे पास 6 स्थायी समितियां हैं जिसमें से 2 स्थायी समिति, पहला हमारा योजना समन्वय एवं वित्त समिति, दूसरा हमारा लोक निर्माण समिति, दोनों के पदेन अध्यक्ष मुखिया जी होते हैं। इसके अलावा उसकी जो मेंबरशिप है वो कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होती है, 2 को-ऑप्टेड मेंबर होते हैं। इसी तरह से जो लास्ट जिसकी बात मैंने की लोक निर्माण समिति, उसमें 3 और 5 नहीं होता है, उसमें जितने वार्ड सदस्य हैं वो सभी उसके सदस्य होते हैं। तो ये कुल गठन की बात है। और अब उसमें अगर ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका की बात आप करें तो जहाँ जहाँ मुखिया जी हमारे स्थायी समिति में अध्यक्ष होंगे वहाँ जो हमारे ग्राम पंचायत सचिव हैं वही उस समिति के सचिव भी रह जाते हैं। इसके अलावा जितनी निगरानी समिति है उसके भी सचिव की भूमिका हमारे ग्राम पंचायत सचिव की है, और जो ग्राम पंचायत की कार्यकारिणी है उसके भी सचिव की भूमिका वही निभाते हैं। तो ग्राम पंचायत सचिव के लिए बहुत सारे कार्य हैं जो ऑफिस प्रबंधन के हैं और लेखा संधारण के हैं। इसमें 2-3 बातें और कह के मैं अपनी बात अभी यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं उसमें जवाब दूंगा आपको। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हमारे ग्राम पंचायत सचिव की हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा कि वो ग्राम पंचायत के मुख्य कार्यकारी हैं, मेन एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी है हमारे। चेक पे मुखिया जी के साथ वो को सिग्नेचरी हैं, यानी बैंक अकाउंट वो ऑपरेट करते हैं। सारे लेखा यानी जो हमारा कैश बुक है, लेजर है, और बाकी हमारी जो भंडारण पंजी है जिसे हम लोग एसेट रजिस्टर कहते हैं, जो भी कागजात हैं उसको मेंटेन करने का काम भी ग्राम पंचायत सदस्य का है, ग्राम पंचायत सचिव का है। और सचिव महोदय ही चाहे वो ग्राम सभा की बैठक हो, चाहे वो कार्यकारिणी की बैठक हो, या जिसके वो सचिव हैं उस स्थायी समिति की बैठक हो, उसके लिए बैठक की सूचना निकालना, एजेंडा तैयार करना और उसकी कार्रवाई तैयार करके लिखना, ये सारा ग्राम पंचायत सचिव का कार्य होता है। तो मैं इतनी बात पे अभी अपनी बात को रोक रहा हूँ। आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं बता दूंगा उसको। और इसके बाद इसकी डिटेलिंग के लिए हमारे दूसरे कुलीग जब आएंगे तो आपसे बात करेंगे इस पर। तो अभी मैं 2-3 चीज़ें जो देख रहा था, आवाज़ नहीं आ रही वाली जो समस्या है,